कहानियों की कहानी। ज्यादातर हम सिर्फ अच्छी बातें ही शेयर करते हैं, हमें कैसा लगता है ये हम नहीं शेयर करते। हर सुबह जब मैं उठता हूँ, नकारात्मक विचार मेरे मस्तिष्क में धारा के रूप में बहने लगते हैं। बिस्तर से उठना और ठीक होने का दिखावा मेरी सारी ऊर्जा खींच लेता है। जैसे जैसे दिन गुजरता है, नकारात्मक विचारों की धारा नदी बन जाती है। इसका प्रभाव इतना जोर से मेरे दिमाग से गुजरता है कि मैं अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। कुछ दिन तो इतने खराब होते हैं कि मुझे लगता है जैसे वो धारा मुझे एक छोर से नीचे गिरा दिया हो। मुझे नहीं लगता था कि मेरे दोस्त मुझे समझेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। पर जब मेरे दोस्त साशा ने खुलकर मुझे बताया कि वो कितनी तनाव में है, तब मैंने बताना शुरू किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कैसे शुरू करूँ, कि मुझे कैसा लग रहा है, पर मैंने ये कहकर शुरू किया कि मुझे मेरे जैसा महसूस नहीं हो रहा है। उसका मुझे सुनना ही मुझे ऐसा महसूस कराया कि वो मुझे समझती है। उसने मुझे कुछ ऐसी तरकीब बताई जिससे उसे मदद मिली, इसलिए मैंने भी उन तरकीबों को अपनाया, पर वो ज्यादा कारगर नहीं साबित हुई। जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ रहता, मुझे फिर भी अकेलेपन का महसूस होता। उन चीजों से मुझे जो मजा आता था वो अब मजेदार नहीं रही। साशा ने कहा, एक दिन मैं बहुत तनाव में थी और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। वो चुपचाप था और हम लोगों से ज्यादा खुलता मिलता नहीं था जैसे वो पहले करता था। इसलिए मुझे अपने अध्यक्ष से सुझाव मांगा। उन्होंने सुझाया कि मैं एंड्रयू को बात करवाना शुरू कराओ मेरे से, क्योंकि उसकी नकारात्मक भावनाएं नहीं जा रही थी। एंड्रयू ने कहा, मैं अपने अध्यक्ष से बात नहीं करना चाहता था, पर मैं इन भावनाओं को दबाकर भी नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने बताया कि कभी कभी हमारे पास बहुत दबाने वाली भावनाएं होती है जो कि आम भावनाओं से ज्यादा प्रखर होती है। ये भावनाएं साथ रहती है पर हमें रोजाना के काम करने से रोक सकती है। यही भावनाओं से तो मैं गुजर रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो हम लोगों को बताते हैं कि हम अस्वस्थ हैं और हमें मदद चाहिए। यही प्रक्रिया मानसिक स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। कभी कभी हमारे दबाने वाली भावनाएं आगे आ जाती है किसी चीज के कारण जो हमारे जीवन में है। कभी कभी ये ऐसे ही उभर उठती है। ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत कम अकेलेपन का एहसास हुआ और लगा कि बात करना अच्छा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि व्यायाम कारगर सिद्ध होता है जब आप उदास होते हो। इसलिए अध्यक्ष ने मुझे स्कूल के फुटबॉल क्लब में दाखिल करवाने वाला पत्र दिया जिसमें साशा भी थी। सभी को मेरे जीवन में वो दिन है जब वो नदी मेरे दिमाग में होती है, पर अब मैं मेरे मानसिक स्वास्थ्य को समझने लगा हूँ और ये भी सीख रहा हूँ कि उसे उभरते कैसे हैं। मेरे अध्यक्ष ने मुझे याद दिलाया कि मेरे दोस्त, परिवार, शिक्षक और बहुत से अन्य जो स्कूल में हैं, उतनी ही मेरी मदद करने के इच्छुक है जितने की वो है। मुझे भनक भी नहीं थी कि मेरे आसपास के लोग इतने समझदार हैं। हर बार मेरे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना आसान नहीं होता। जिससे मैं बात कर रहा हूँ शायद मदद कर सके, पर अगर आप बात नहीं करना चाहते वो भी ठीक है, पर कुछ ऐसा करें जिससे आपको स्वस्थ लगे, जैसे लिखना, खेलना, पढ़ना, चित्रकला, गाना, पालतू जानवरों के साथ खेलना इत्यादि इत्यादि। अगर आपको व्यक्ति है जैसे कोई बात कर रहा हो जो कि संघर्ष में है, कोई भी दबाव और पूर्वाग्रह के बिना उसकी बात सुनिए। आपके पास उसकी उत्तर ना, ये जरूरी नहीं है।